हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं कुछ अलग चीज़ लेकर आई हूँ। रक्षाबंधन आने वाला है अगस्त में, तो उससे पहले मैं ये राखी लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एलिफेंट एप्लीक में ये मैंने राखी बनाई है, कितनी सुंदर है। तो मैंने ये क्रोशे थ्रेड से बनाया है एक, ये इसमें बहुत प्यारी सी शाइन आती है। और एक ये हमारी मैंने ओसवाल वूल से बनाई है, जिससे मैं अभी तक थालपोश बनाती आई हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये हाथ पे पहना के। इस तरह से आप अपने भाई को अपने हाथ पे देख सकते हैं। और ये इसमें थ्रेड भी काफ़ी बड़ा है पीछे टाई करने के लिए। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हाथी वाली राखी बनाने के लिए हमें चाहिए ये ब्लैक कलर की यार्न, इससे हम उसकी आई बनाएंगे। उसके बाद ये पिंक कलर की, इससे उसकी बॉडी बनेगी। और ये ऑफ वाइट, इससे वो छोटा सा सर्कल बनेगा। इसके साथ ही 2.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक। और ये पिन, ये एक तरह से मार्कर की तरह काम करेगा मेरा, क्योंकि इसमें क्या होता है गोल गोल होता है, तो हमें पता नहीं चलता हमने कहाँ पे स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड करना है। और एक सीज़र यार्न को कट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये पिंक कलर की यार्न लेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी बनाना स्टार्ट करेंगे। इस पर हम स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए यार्न को कुछ इस तरह से लेना है। और अब ये जो बड़ा वाला यार्न है इसको इस सर्कल के अंदर से इस तरह से निकालना है। तो ये इस तरह से ये मैंने पुल कर दिया। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं स्लिप नॉट को। ये हमारा स्लिप नॉट है। जब आप ये बड़े वाले पोर्शन को खींचते हैं तो उसका साइज छोटा होता है, और जब ये छोटे वाले को खींचते हैं तो इससे इसका ये टाइट हो जाता है। तो इस तरह से अब हम इसमें बनाएंगे चेन फोर। वन टू थ्री फोर, चेन फोर। अब ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। नाउ चेन टू, वन टू। इसके बाद यहाँ पे चेन टू के बाद मैं यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें ये मार्कर लगा देती हूँ, ताकि मुझे ये याद रहे इस तरह से। अब हम ये जो हमारा सर्कल बना है इसके अंदर हम 9 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए इसको इस तरह से लेना है यार्न को, और अभी सर्कल के सेंटर में यहाँ पे इस तरह से, और ये एक बार में निकाल देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये 9। तो हमारे 9 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। और अब ये जो हमने चेन टू बनाया था इसके फर्स्ट चेन में जहाँ पे मैंने ये स्टिच मार्कर लगाया है, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले इसको रिमूव कर दूँ। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट था, और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच बना दिया। तो इस तरह से ये हमारा भी राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे चेन टू बनाएंगे। वन टू, और अब ये सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे टू हाफ डबल क्रोशिया की तरह काम करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा दूँ। ओके, अब हम ईच स्टिच में टू हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो वन और ये टू, वन और ये सेम इसमें टू, यहाँ पे वन सेम इसमें टू। तो सेम स्टिच में मैं टू हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पर ये मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में टू हाफ डबल क्रोशिया, वन
और एक टू। और अभी हमारा नेक्स्ट जो, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, ये जो हमारा चेन टू था इसके सेकंड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया, चेन टू वन टू, और इसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। सेम इसी स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा दूँ चेन टू पे। अब इसके नेक्स्ट में वन हाफ डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में टू हाफ डबल क्रोशिया, वन टू। तो इस राउंड में, राउंड थर्ड में हम वन हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद टू हाफ डबल क्रोशिया, वन टू। तो इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट होने वाला है मेरा, तो यहाँ पे टू, नेक्स्ट में वन हाफ डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में टू हाफ डबल क्रोशिया, वन और ये टू। इस तरह से अब हम इसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट में वन टू, चेन टू स्पेस में सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। तो ये रहा वन टू, ये हमारे राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, थ्री राउंड्स। अब हम चेन वन बनाएंगे, और यहाँ पे चेन वन पे ही मैं ये स्लिप्स, ये मार्कर लगा रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस राउंड में लगाना। अब इसके नेक्स्ट में एक तरह से, इसके नेक्स्ट स्पेस में, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशे, सॉरी, इसके नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे हम टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन और ये टू। और अब इसी सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, चेन वन, और इसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। इसके नेक्स्ट में ये वाले में टू सिंगल क्रोशिया, वन और ये टू। अब इसी सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, वन, इस तरह से। इसके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, इस तरह से, चेन वन, और इसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में भी एक स्लिप स्टिच, और इसके नेक्स्ट में भी एक स्लिप स्टिच। तो तीन, थ्री स्लिप स्टिच बनाई है मैंने, कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन रही है। अब हम चेन नाइन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, चेन नाइन। और अब हम ये जो हमारा चेन है इसमें एक एक में एक वन वन सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने, इसके नेक्स्ट में वन सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी वन सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल। तो ये हमारे एलिफेंट की ट्रंक बन रही है यहाँ पे, वन वन, और यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पे। अब हमारा जो ये, इसको हम स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। तो ये हमारी हाथी की सूंड बन गई है, इसके नेक्स्ट में भी वन डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक और वन डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट में हम वन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे वन हाफ डबल क्रोशिया,
इसके नेक्स्ट में भी वन हाफ डबल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, वन, नेक्स्ट टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन, टेन। टेन के बाद यहाँ पे मैंने इलेवन बनाया और ये ट्वेल्व, और अभी हमारा ये ट्वेल्व हो गए। नेक्स्ट में यहाँ पे थर्टीन, तो थर्टीन सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे चेन सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अभी जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हम ये पिकोट स्टिच बनाएंगे, तो इस तरह से, और ये वही स्लिप स्टिच बनेगा इस तरह से। अब हम इसके नेक्स्ट में एक क्रोशे बनाया, और अब नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच तरह से, और अब हम यान को थोड़ा बड़ा करके कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे ये एलिफेंट बन गया है। यहाँ पे ये एलिफेंट के ट्रंक है, ये उसके दो फीट हैं और इसकी छोटी सी पूंछ यहाँ पे। तो अब हम ऑफ वाइट कलर की यान लेंगे इस तरह से, और इसमें एक स्लिप नॉट बनाएंगे। नाउ चेन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, चेन फाइव बनाई मैंने। अब ये फर्स्ट में स्लिप स्टिच इस तरह से, चेन टू, वन टू। अब ये सेंटर में वन हाफ डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, और अब इसी सेंटर में यहाँ पे नाइन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट और ये नाइन इस तरह से। और अब ये यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर दूँ स्लिप स्टिच बना के, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया चेन वन, और इसको ज़रा हम यान को कट कर देंगे। इस यान को थोड़ा मैं लंबा कट करूँगी क्योंकि अभी मुझे इसको स्टिच करना है उसके ऊपर, तो इस तरह से ये बन गया पूरा। अब हमारा ये यहाँ पे आती है। सबसे पहले मैं इसकी फिनिशिंग कर दूँ, तो ये जो इसकी एक्स्ट्रा यान निकली है इसको मैं ज़रा अंदर इंसर्ट कर देती हूँ। इस तरह से ये फिनिशिंग हो गई है। इसमें भी ये जो ऑफ वाइट वाला, ये जो छोटा वाला है, इसकी भी फिनिशिंग कर देती हूँ पहले ही।
इस तरह से। इसको यहाँ पे ये जिस तरफ इसकी सूंड है इस तरफ ये मैंने छोटा वाला जिस तरफ को ये बन रहा है, और अब मैं इसको इसमें स्टिच कर दूंगी। और अब ये इसमें ही मैंने अभी ब्लैक कलर की यार्न ली, इससे हम इसकी आई बनाएंगे। यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा यहाँ दूर से इंसर्ट करेंगे ताकि यार्न निकले ना, तो इस तरह से मैंने इंसर्ट किया। अब ये इसको यहाँ पर लेकर आए। और बार कुछ इस तरह से। अब इसको यान को मैं इसमें अंदर ही डाल दूंगी, जैसे अभी तक हमने फिनिशिंग दी है सबकी। और अब इसको कट कर देंगे। तो हमारा ये एलिफेंट बनके रेडी है। अब राखी का वो थ्रेड बनाने के लिए मैं ये ऑफ वाइट कलर की यार्न लूंगी और इस पे स्लिप नॉट इस तरह से। अब चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। यहाँ पर मैंने ये चेन 100 बनाई है, और इसके बाद चेन 100 के बाद इसको यार्न को हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको लेंगे ये सीजर हमारी और ऑफ वाइट कलर की यार्न इस तरह से। अब हम इसको इस पे रखेंगे। तो ये हमारा ये हाथी है, और यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा ट्रंक है और ये पूंछ इस तरह से आना चाहिए कुछ। अब हम इक्वल देख लेंगे दोनों को कि दोनों साइड हमारा इक्वल आ रहा है। थिंक दिस इज इक्वल नाउ। अब इसको यहाँ पे पकड़ के कुछ इस तरह से पे स्टिच कर देंगे।
इसको यहाँ पे सिक्योर कर देंगे ताकि ये लूज़ ना हो। इस तरह से मैंने इसको सिक्योर कर दिया। और जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम सेम जैसे मैंने अभी तक इनको इनविजिबल किया इसी तरह से इनविजिबल कर दिया, इसको भी इनविजिबल कर देंगे हम। इस तरह से ये भी इनविजिबल हो गया। ये हमारी राखी बनके रेडी है। तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और सेम या फिर इनविजिबल करना है तो इसमें हम अंदर को इसको डाल देंगे। तो ये रही हमारी राखी। तो रक्षाबंधन आने वाला है और मैंने ये राखी रेडी कर ली अपने भाई के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।